हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वेता के वीडियोस में। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो अगर कोई नाच खाना चाहता हो लौकी तो वो भी खाने लगेगा, क्योंकि ये रेसिपी इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी होने वाली है। और इसे बच्चे भी खा सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने मसाले जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ले ली है लौकी, ये देखिए बहुत ही फ्रेश लौकी ली है यहाँ पर, और उसको इस तरह से मैंने यहाँ पर छील दिया है। और लौकी छीलने के बाद मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लिया है, ये तरह पीसेस में, ये देखिए। और अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। इसे वॉश में पहले भी कर सकती थी बट मैंने यहाँ पर इसको बाद में वॉश किया है। तो ये देखिए लौकी हमारी वॉश हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चना दाल। मैंने यहाँ पर चना दाल ले ली है और उसको भी इस तरह से यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ एक से दो बार, ये देखिए। तो अभी चना दाल और लौकी मैंने दोनों ही वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, और हल्दी के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी यूज़ किया है, ये देखिए। और इसके साथ ऐड करूँगी नमक, और अब कोई भी एक्स्ट्रा मसाला मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड कर दिया है पानी, ये देखिए पानी भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और चम्मच से अच्छी तरह से इसको चला देती हूँ, और प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद गैस पे चढ़ा देती हूँ। दो से तीन सीटी आने तक मैंने इसे पकाना है, ये देखिए। तो दाल लगभग अभी पक गई है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये सूखी हुई आम की कलियाँ। सूखा हुआ आम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो अगर आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और वापस से मैंने इसमें दो सीटियाँ लगाई हैं, ये देखिए दाल बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गई है। लौकी भी अच्छे से घुल गई है, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ तड़का। तड़के मैंने सिंपल जीरा यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो तड़का आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि टोमेटो या फिर अनियन और गार्लिक, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिंपल मिर्च और जीरा यूज़ किया है। तो ये देखिए यहाँ पर तड़का लग गया है, और फटाफट रेडी हो गई है हमारी सर्व करने के लिए लौकी वाली दाल, ये देखिए। तो अभी रेडी हो गई है हमारी टेस्टी और हेल्दी दाल लौकी वाली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।